बोलो दादाजी। सीताराम सीताराम। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार अग्रवाल है और मैं गर्ग गोत्र का हूँ। वाह, पर हम शुक्ल वाले गर्ग हैं। अब इतना आगे मुझे नहीं पता जी, आज्ञा करो। मैं भारत से हूँ और यहाँ पे 35 साल से रह रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर मेरे साथ जितने भी आए हैं उन सब का ही ये है कि हमारे बच्चे यहाँ बड़े हो गए हैं और उनकी शादी वादी हो गई और उनको अब पढ़ते रहे और जो उनको पढ़ाते रहे वो अब भूल गए हैं और वो यहाँ के पाश्चात्य संस्कृति में फंस गए हैं और हम चाहते हैं कि हम उनको कैसे वापस लेके आए। बहुत सुंदर, ताली बजाकर धन्यवाद दें। हमने मेलबर्न में पूरे ऑस्ट्रेलिया के लिए एक आह्वान किया था दादाजी। हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी सिटी में रहने वाले हिंदू हैं, हिंदुओं के द्वारा स्थापित जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों के पुजारी प्रत्येक मंगलवार शनिवार अथवा संडे को या सैटरडे को सप्ताह में एक घंटे सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए अगर एक क्लास लगावे तो बच्चों की संस्कृति भी बनी रहेगी, मंदिरों में भीड़ भी बनी रहेगी, हिंदुओं की एकता भी बनी रहेगी। कि हम श्री मंदिर से अवन से जुड़े हुए हैं और वहाँ लगती है जी। हाँ जी, वहाँ हर हफ्ते वो रामायण की कथा होती है और सारे बच्चों को बुला के पंडित जी वहाँ पर उनसे एक एक श्लोक कराते हैं और उनको सारी चीज़ें समझाते हैं। उसके साथ में अपने भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति के बारे में भी प्रत्येक बार बताना चाहिए। इस्लाम धर्म की खूबसूरती है कि एक कि वो अपने धर्म के लिए बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें पर अपने मजहब की पढ़ाई जरूर पढ़वाते। जी हाँ, हमने जब छोटे थे हमने उनको पढ़ाया था लेकिन अब बड़े हो गए तो अब वो पाश्चात्य उसमें फंस गए हैं, वही उस तरह चले उनको फिर बीच बीच में हमारी कथा में ले आओ, हम छीलेंगे उन्हें। ठीक है जी। हाँ, हमारे पास में है औजार, झंझला देंगे हम, अंदर तक खोलेंगे नस की नस। तो उनको कथाओं में बीच बीच में लाओ, बड़े हैं अगर सुन नहीं रहे, आपकी पाश्चात्य संस्कृति बहुत हैवी हो गई है, बुरा ना मानो। हमको पाश्चात्य संस्कृति से डर नहीं है, हमको बच्चों के अंदर से डर है। बिल्कुल सही, इसीलिए भले ही अंग्रेजी बोलें, इंग्लिश सीट का प्रयोग करें, इंग्लिश पर बैठें, पर दिल हिंदुस्तानी होना चाहिए। हम लंदन भी गए, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं और यहां भी जी रहे, मॉरिशस भी गए और भी अन्य देशों में गए, पर दिल अपना हिंदुस्तानी, सब मिलते हैं हमको। तो आपको प्रत्येक मात बुरा ना मानिएगा, बच्चों की गलती कम है ऑस्ट्रेलिया में, भारतीय माता पिता की ज्यादा है। जब माता पिता ही बच्चों को टाइम नहीं देते, बच्चे तुम्हें कहां से देंगे हलवा? आप ही जब किसी काम करने वाले के भरोसे हैं, उनको टाइम नहीं देते तो फिर बच्चे आपको टाइम नहीं देंगे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जितने भी अभिभावक हैं वो अगर अपने बच्चों को समय देने लगे, हमें लगता है ऑस्ट्रेलिया में इस कथा के बाद बहुत क्रांति आएगी। धन्यवाद, विराजमान हो जाओ, हम फिर मिलेंगे आपको, आपके पूरे परिवार पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद।